भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब वंदे। सबसे पहले मैं शहीद ऊधम सिंह जी को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऊधम सिंह जी जैसे शहीदों की वजह से आज हम आजाद भारत के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ उनके चरणों में वंदना करता हूं। दोस्तों, सीधा जेल से आ रहा हूं आप लोगों के बीच में। पचास दिन जेल में था, 5 किलो वजन कम हो गया। 16 तारीख को चुनाव डिक्लेयर हुआ, 16 मार्च को, और 21 मार्च को ये मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। इनकी नीयत खराब थी, नीयत खराब थी। इसका मतलब ये मुझे चुनाव प्रचार नहीं करने देना चाहते थे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का और उनके जजेस का, जिन्होंने मुझे चुनाव प्रचार करने का मौका दिया और आज मैं आप लोगों के बीच में आया। मैं सोच रहा था इन्होंने मेरे को गिरफ्तार क्यों किया, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या गलत किया है। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, हमारी एक छोटी सी पार्टी है 2 राज्यों में, मैंने क्या गड़बड़ करी। मेरा कसूर यह है कि मैंने दिल्ली के गरीब लोगों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए। मेरा कसूर यह है कि मैंने उनके लिए अच्छी शिक्षा का, उनके बच्चों के लिए अच्छे भविष्य का इंतजाम किया। मेरा कसूर यह है कि दिल्ली में पहले बिजली जाया करती थी, मैंने दिल्ली वालों के लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दिया। मेरा कसूर यह है कि मैंने दिल्ली वालों के लिए बिजली फ्री कर दी। मेरा कसूर यह है कि मैंने दिल्ली वालों के लिए, सबके लिए, दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता के लिए फ्री इलाज का इंतजाम कर दिया, सबके लिए फ्री दवाइयों का इंतजाम कर दिया। आज दिल्ली के अंदर कोई बीमार होता है उसको सारी दवाइयां फ्री मिलती है। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, मैं शुगर का मरीज हूं, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं, बहुत हाई शुगर है मेरे को, 20 साल से शुगर है। जब मैं तिहाड़ गया, इन्होंने 15 दिन तक मेरी इंसुलिन बंद कर दी। 350 मेरी, जिनको पता है 350 मेरी शुगर पहुंच गई। ज्यादा दिन शुगर रहे तो किडनी और लीवर दोनों खराब हो जाते हैं। मेरा कसूर यह है कि मैं अब दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000-1000 रुपए डलवाने की तैयारी कर रहा हूं। ये मेरा कसूर है। मैं 20 दिन के लिए आया हूं, कह रहे तुम्हारा जेल जाना पड़ेगा। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। अगर आप लोगों ने 25 मई को अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और झाड़ू का बटन दबाया तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो जब वोट डालने जाओ अच्छे से सोच के जाना, जब बटन दबाओ केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना। अगर जेल भेजना है तो कमल का बटन दबा लेना, और केजरीवाल को बाहर रखना है तो झाड़ू का बटन दबा लेना। ठीक है ना मोदी जी? दोस्तों, आज से 3-3.5 साल पहले आजाद भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ। हजारों किसान पूरे देश से, खासकर हरियाणा से और पंजाब से दिल्ली की तरफ चल दिए, दिल्ली जाने के लिए। उन लोगों को, किसानों को, इन लोगों ने दिल्ली में नहीं, गुस्से में
दिल्ली की सड़कों पे कीले लगा दी जब आप लोग आए थे, लगाई थी कि नहीं लगाई थी? बोल्डर लगा दिए किसानों पर, उनके पिताजी की दिल्ली है, दिल्ली हमारी है, दिल्ली 140 करोड़ लोगों की है, भारत के लोगों की दिल्ली है, जनता की दिल्ली, आपकी दिल्ली है, इन लोगों की दिल्ली नहीं है। इस बार जब बटन दबाने जाओ तो ऐसा बटन दबाना इन लोगों को दिल्ली के बाहर कर देना है, ये जितने दिल्ली में बैठे हैं इनको दिल्ली के बाहर कर देना। मेरे को, मैं भी हरियाणा का हूं, मेरे को बड़ा दुख हुआ जब अपनी हरियाणा की पहलवान बेटियों के साथ जिस तरह से बेइज्जती की गई, जिस तरह से उनके सम्मान के ऊपर हाथ डाला गया, बहुत ज्यादा सारे सबको दुख हुआ, पूरे देश को दुख हुआ, जिस तरह से इनके लोगों ने हमारी हरियाणा की पहलवान बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया इन लोगों, और इन लोगों ने क्या किया, खिलवाड़ करने वाले के बेटे को इस बार टिकट दे दिया, अंगूठा दिखा रहे हैं हरियाणा वालों को, ये लोग अंगूठा दिखा रहे हैं, जो करना है कर लो। तो इस बार हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, 25 मई को ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना, सारा बदला ले लेना इन लोगों से। और अभी चारों तरफ से जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी हार रही है, 4 जून को मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, आप हिसाब लगा लो, महाराष्ट्र में इनकी सीट कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, यूपी में कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, हरियाणा में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है। अब हरियाणा वालों को मैं कहना चाहता हूं, मैं अभी घूम रहा हूं, कुछ लोग बोले कि 5-6 का काम ना चल रहा है भाई, 5-6 से काम नहीं चलेगा, 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को हराना है, अब बीजेपी को हरियाणा से बाहर भगाना है, मंजूर है? दोस्तों ये लोग मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी सबसे बड़ा फर्जी वाला है, मोदी की गारंटी मतलब जुमला, मोदी जी ने कहा था मैं 15-15 लाख रुपए की गारंटी दी थी, हरेक के नाम आए 15 लाख, मोदी जी ने गारंटी दी थी साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, आई 2 करोड़ नौकरी, मोदी जी ने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बनी स्मार्ट सिटी, मोदी जी ने गारंटी दी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, एमएसपी दिलवाऊंगा, दिलवाया एमएसपी, मोदी जी ने गारंटी दी थी 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी, वही डबल, मोदी जी ने गारंटी दी थी पूरे देश में 2022 तक हर घर को 24 घंटे बिजली मिलेगी, पूरे देश में पावर मिलेगी। आज मैं केजरीवाल की गारंटी देने आया हूं आप लोगों को, स्मार्ट सिटी नहीं बनी, स्मार्ट सूट बने हैं वो कह रहे हैं सूट। आज मैं केजरीवाल की गारंटी देके जा रहा हूं, ये पक्की गारंटी है, मैंने दिल्ली वालों को गारंटी दी थी, सारी गारंटी पूरी करता हूं, इसलिए 3 बार से दिल्ली वाले मेरे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, भारी बहुमत। आज मैं इंडिया गठबंधन को जिता देना, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी, आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा होगी, और मैं आपको इंडिया गठबंधन की तरफ से 10 गारंटी लेकर जा रहा हूं। पहली गारंटी, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा, दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है, पावर कट नहीं लगेगा, पूरा हिसाब कर रखा है मैंने कैसे होगा, कोई पावर कट नहीं लगेगा, पूरे देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा। दूसरी चीज, गरीबों के लिए बिजली फ्री कर देंगे, जैसे दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, पंजाब में बिजली फ्री कर दी, पूरे देश के अंदर बिजली फ्री कर देंगे। शिक्षा, पूरे देश के अंदर गांव गांव के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, ये काम आजादी के टाइम पे हो जाना चाहिए था, 1950 में हो जाना चाहिए था, आज भी गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है।
ऐसे शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा, प्राइवेट को भूल जाओगे, सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में करवा दूंगा। इस देश में जो बच्चा पैदा होगा, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, उसको शानदार अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम करेगा। चौथी बात, सेहत स्वास्थ्य, गांव गांव के अंदर हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हर जिले के अंदर एक जिला अस्पताल बनाएंगे, प्राइवेट से भी अच्छे, अपोलो से भी अच्छे जिला अस्पताल बनाएंगे जैसे दिल्ली में बनाए हैं, और हर नागरिक का, हर भारतीय का पूरा इलाज फ्री करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो कितनी भी छोटी बीमारी हो। अगली गारंटी, चाइना ने हमारे जमीन पर कब्जा कर रखा है, केंद्र सरकार मानती नहीं है, केंद्र सरकार कहती है कोई नहीं आया, पूरी दुनिया जानती है चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, हमारी सेना में काबिलियत है, सेना को एक बार खुली छूट दे दो, चाइना को भी मजा चखा देंगे, पाकिस्तान को भी मजा चखा देंगे। जो जमीन पे चाइना ने और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उस जमीन को छुड़ा के लाएंगे, सेना को कोई स्वतंत्रता नहीं, अपना काम करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा, ये अग्निवीर योजना बहुत बड़ा स्कैंडल है। एक तरफ तो हमारे बच्चे चार साल के लिए नौकरी करने जाते हैं, चार साल में कौन अपनी जिंदगी देगा, हमारी पूरी सेना कमजोर होती जा रही है एकदम नीचे, जो जिस सैनिक को अपनी जान दांव पे लगा के लड़ाई लड़नी है वो सैनिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे जब जरूरत पड़ेगी। ये अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, जितने अग्निवीर अभी तक सेना में शामिल हुए सबको एक साथ पक्का कर दिया जाएगा और सेना में भर्ती हो जाएगा, और इसके बाद से रेगुलर भर्ती करी जाएगी। अग्नि गारंटी, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण क्या है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन देश के सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और उनके ईडी और सीबीआई के केस खत्म करते हैं, ये ब्रिंग की बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर तोड़ेंगे और जो असली भ्रष्टाचारी है उनको जेल भेजेंगे, ईमानदारों को बाहर निकालेंगे, अभी सारे ईमानदारों को अंदर भेजते हैं और ये बेईमानों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके केस रफा दफा करते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो जिनकी मांग है ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा, जितने हमारे व्यापारी भाई हैं सारे जीएसटी से परेशान है कि नहीं है, ये जीएसटी को सरलीकरण किया जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, ना इनको समझ आता ना किसी को समझ आता, इसका सरलीकरण करेंगे, जितने मेरे आढ़ती भाई हैं उनके बहुत सारे समस्याएं, उनकी कमीशन की समस्या, इसकी उनके भी सारे मसले समाधान करेंगे, और उद्योगपति और व्यापारी, मैं भी बिजनेस कम्युनिटी से आता हूं, मेरे दादा चाचा ताऊ मामा सारे बिजनेस करते हैं, तो उनको बिजनेस कम्युनिटी को, व्यापारियों को और उद्योगपतियों को व्यापार और उद्योग चलाने के लिए पूरी स्वतंत्रता और छूट दी जाए, ये सारी केजरीवाल की गारंटी है। अब मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, सुशील गुप्ता जी को तो हम लोग जानते हैं, सुशील गुप्ता जी को जिताना है, भारी बहुमत से, रिकॉर्ड से बहुमत से जिताना है आप लोगों को, झाड़ू को वोट देना है, लेकिन साथ साथ पूरे हरियाणा के अंदर अपने अपने रिश्तेदारों को फोन कर देना, इंडिया गठबंधन की 10 की 10 सीट आप लोगों को जितानी है और बीजेपी को भारत माता की।